सबके भीतर विद्यमान सर्वज्ञता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि कोटि नमन। स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। शिवालय टेम्पल ऑफ ग्रेट बॉस्टन के इस अति पावन रमणीय दिव्य सभागार में श्रीमद् भागवत महापुराण की चतुर्थ संध्या में व्यासपीठ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन सत्कार सहित वंदन करती है।
भगवान की उपासना, भगवान के नाम का निरंतर श्वास प्रश्वास के साथ सुमिरन, ये अतैव आवश्यक तथ्य है। एक साधक को इसका निरंतर अनुसरण अनुकरण करना चाहिए। जैसा गुरबाणी में कहते हैं, राम सिमर इह तेरे काज है। परमात्मा की बंदगी ही हमारा परम ध्येय है। जब तक वह बंदगी मानव नहीं करता, तब तक जीवन में शांति प्राप्त नहीं होती। और शांति पाने के लिए सिर्फ बंदगी ही नहीं, गीता ने उससे ऊपर दो सूत्र कहे, निर्ममः निरहंकारः सशांतिम अधिगच्छति। दो चीजें जो व्यक्ति मिटाता है, उसी व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। पहला तत्व है ममता, महत्व। और शास्त्र ने कहा है, ममेति बंधन कारणम। जो ममता है ना, ये महत्व है, मेरेपन की भावना, मैं मेरापन, ये बंधन का हेतु। और दुख इसी में छुपे हैं, ममत्व में ही सारे दुख सुनते हुए। निर अहम, गुरबाणी में फरमान किया है गुरु साहब ने, जो जो दिसे सो सो रोगी, जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुर जोगी। हम रोग मानुख को दीना, हम रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस लीना। गुरु साहब फरमान करते हैं, संसार में रोग मुक्त कौन है? कोई भी रोग मुक्त नहीं। वह सदगुरु जिसने अपने जीवन में साधना को आत्मसात किया है, जिसके जीवन में साधना निरंतर निवास करती है, ऐसा सदगुरु ही रोग से मुक्त हो सकता है। अन्यथा हम में रोग मानुख को दीना, थोड़ा सा काम करते हैं अहंकार हो जाता है, थोड़ा धन आता है अहंकार हो जाता है, थोड़ा पद मिलता है अहंकार हो जाता है, थोड़ा रुतबा मिलता है अहंकार हो जाता है। निरअहम निर्मम, दो अवस्थाएं आए, ना तो ममता हो और ना अहंकार हो। विद्धि व्याध्य अभिमान ग्रस्तम लोकम शोकहतम च समस्तम। आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं, दो चीजें हर इंसान के अंदर है, बीमारी चाह के भी रोक नहीं सकते, स्वयमेव उत्पन्न हो जाएगी, कितना स्वस्थ रहने की कोशिश कर लो, इट हैज टू ब्रीड इन अ ह्यूमन बीइंग एंड इट विल ऑटोमेटिकली ब्रीड। रोग, आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं, विद्धि व्याध्य, व्याध्य मतलब व्याधि, व्याधि का मतलब रोग। और बोले दूसरी चीज अभिमान ग्रस्तम, हर इंसान में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं से अभिमान आ जाता है, शायद उसे यह भी ना पता हो कि मैं अभिमान कर रहा हूं, और वो सामने वाले को महसूस होता है। और जब सामने वाला कहता है, ट्राई टू शैटर योर ईगो, यू गेट ऑफेंडेड बिकॉज यू आर, यू थिंक दैट यू आर अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, यू कैन नॉट कमिट मिस्टेक्स। गीता कहती है, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग।
रामचरित मानस कहती है यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, गुरबानी कहती है यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। रामचरित मानस में तुलसीदास जी कहते हैं, बड़ी सुंदर चौपाई है, तीन ताल में राग यमन कल्याण में, नहीं को वस जन्म जग माही, नहीं को वस जन्म जग माही, नहीं को वस जन्म जग माही, प्रभुता पाए जाए कर लीजिए। सबसे पहले है निर्मम, ममता रहित, ममेति बंधन कारणम। जिम्मेवारी पूरी करो, ममत्व लेकर मता। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मैं और मेरे में तुलसीदास जी कहते हैं माया छिपी है। मैं अरमोर तोड़ते माया, मैं अरमोर तोड़ते माया, जह बस की नहीं जीवन का,
चार शब्दों में माया निवास करती है, मैं मेरा तू तेरा। गुरबाणी कहती है प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। सारा दिन सारी उम्र तूने मैं मेरा तू तेरा करते हुए बिता दी, तेरा यहां है क्या? प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। जैसे पंछी बसता है ना पेड़ पे, वो पेड़ उसका हुआ है कभी? पंछी के पास उसकी रजिस्ट्री होती? बोलो ना भाई, तुम क्यों कराते हो? चार दीवारी नाप के कहते हो मेरी है, तुम्हारे से पहले किसी और की थी, उससे पहले एयर ट्रैवल करते हैं ना, सीट बुक कर लेते हो ना, रिजर्वेशन हो जाती है। जब बोर्डिंग करते हो तो एक सीट नंबर एलोकेट कर देते हैं, गलती से तुम्हारी सीट पे आके कोई बैठ जाए तो क्या कहते हो जाके? हाउ फूलिश इज दैट, मेरी सीट। अरे लाखों यहां आए और चले गए, ये आज तक किसी की नहीं बनी। लाखों चढ़े लाखों उतरे और हम जाके प्रोक्लेमेशन इज सो स्ट्रॉन्ग, मेरी, गेट अप फ्रॉम माय सीट, दिस इज माइन, मैं मेरा तू तेरा, जहां देखो मैं का निनाद लगा रखा। तो किसी ने, इसलिए जिंदगी में आज तक शांति नहीं मिली। गीता कहती है सर शांतिम अधि अच्छति, दो चीजें मिटा दो, मैं मेरा। आप किसी दुकान में दर्पण खरीदने के लिए गए, शीशा खरीदने के लिए गए, बड़ा अच्छा लगा वो फ्रेम्ड शीशा, उस दुकान में एक ही था। परिस्थिति को समझना, दुख मैं मेरा में कैसे छुपे। तुमने शीशा पसंद कर लिया, उससे अटैचमेंट हो गई, अच्छा लग रहा, मन उससे जुड़ गया, मन उससे बंध गया। तुमने दुकानदार को पैसे नहीं दिए, शीशा टूट के उसके हाथ से गिर के टूट गया, दुख होगा? बोलो ना जी। मैं परिस्थिति आपके आगे रख रहा हूं, क्या करोगे तुम? दुखी होगे सुखी होगे कुछ तो होगे। शीशा तुम्हें अच्छा लगा, दुकानदार को तुमने पेमेंट नहीं की, पैसे नहीं दिए, शीशा उसके हाथ से छूट कर टूट कर गिर गया, दुख होगा या नहीं होगा? तुमने पैसे दे दिए दुकानदार को, तुमने खरीद लिया और दुकानदार के हाथ से गिर गया टूट गया, अब बोलो ना भाई क्यों होगा? क्योंकि मैंने खरीदा था, मेरा हो गया, इसलिए दुख हो रहा। मैंने जब तक खरीदा नहीं था, मेरा हुआ नहीं था, टूट गया गिर गया, तो हेल विद इट, यही स्वभाव होता। मेरा बनते ही उसमें वृत्ति जुड़ गई है, मैं जुड़ गया, मेरापन जुड़ गया, दुख शुरू हो गया। महाराज मैं मेरा दुख का कारण है, गीता कहती है मैं मेरे को मिटाओ। जो हम अपना मानकर अपना कर लेने की चेष्टा करते हैं, इंसान को हर्ट उसी में मिलती है। इस मैं मेरे को खत्म कीजिए, अहंकार को खत्म कीजिए। गीता कहती है सर्व शांति अधिक अच्छति, उस व्यक्ति को शांति प्राप्त हो जाती है। और शांति चाहते हो जीवन में तो मैं मेरा मिटाकर भगवान को निरंतर स्मरण करो, उसकी कृपा के आश्रित रहो, इसी में सारे सुख बसे हुए। नहीं तो माया के प्रपंच में फंसे रहोगे। श्रीमद् भागवत में एक बड़ी सुंदर कथा आई है, महाराजा उत्तान पाद
इनकी दो पत्नियां थी, पहली पत्नी का नाम था सुनीति, दूसरी पत्नी का नाम था सुरुचि। दोनों पत्नियों से एक एक संतान की उत्पत्ति उत्तान पाल को हुई है। सुनीति से ध्रुव पैदा हुए और सुरुचि से उत्तम पैदा हुए। इस कथा को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। उत्तानपाद का अर्थ क्या होता? उत्तान माने ऊपर, पाद माने पैर। उत्तानपाद जिसके पैर ऊपर हो, सर नीचे हो। कल मैंने आपसे कहा था हर व्यक्ति मां के गर्भ में ऐसे ही होता, पैर ऊपर होते हैं सर नीचे होता, उल्टा लटका। और मूंड में जठराग्नि, जठर की अग्नि का ताप लगता रहता है। उत्पीड़ित जीव मां के गर्भ में अनेक यातनाओं को भोगता, और जब भीतर होता है ना तो भगवान से बार बार प्रार्थना करता है, हे नाथ एक बार इस यातना से, इस दुख से मुझे बचा, अगली बार मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जिससे वापस आना पड़े। गर्भ में तो भगवान की स्मृति रहती है, लेकिन गर्भ से बाहर आते ही आपने कोई गलती की हो ना, आपकी गलती को बगैर सजा के, बगैर सजा दिए छोड़ दिया जाए तो इंसान की वृत्ति क्या है? वो उससे सीखेगा या उसे फिर दोहराएगा? अगर आप गलती की सजा दिए बिना किसी की गलती को माफ कर देते हैं, वो उस गलती को फिर करता। दंड का संविधान क्यों बना? वैदिक सनातन संस्कृति चार सिद्धांतों पर आधारित है, साम, दाम, दंड, भेद। जो राजनीतिज्ञ होते हैं उनको, जो राजा होते हैं उनको, जो साधु होते हैं उनको, इन चार नीतियों का अनुसरण करना पड़ता है, साम, दाम, दंड और भेद। तीसरा संविधान है दंड। पहले प्यार से समझाइए साम, सबसे पहले प्रयोग कीजिए प्रेम का, फिर है दाम। तो प्यार से ना समझे, उसको कलियुग में खरीदने की ताकत है धन से, इंसेंटिव। उससे भी अकल ना आए, उससे भी रस्ते पे ना आए तो फिर बीच का कोई मार्ग नहीं है, दंड। भगवान के हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म चार चीजों के प्रतीक हैं। साम का प्रतीक है शंख, दाम का प्रतीक है कमल, लक्ष्मी बैठती है ना, कमलासन है। दाम का प्रतीक है कमल, दंड का प्रतीक है गदा, और भेद का प्रतीक है चक्र। साम, दाम, दंड, भेद। किसी को गलती करने के बाद गलती की सजा दिए बिना माफ कर देना, आपने उस इंसान को माफ नहीं किया, आपने उसे और बिगाड़ दिया। शास्त्र कहता है गलती हो और गलती को तक्षण रोक दिया जाए। बच्चा गलती करता है, आप उसको गलती करने की प्रेरणा देने के बजाय उसे तक्षण रोक दें, उसके जहन में वो बात बैठ जाएगी, अगली बार करते हुए संकोच करेगा। और जितना आप माफ कर रहे हैं, जितनी आप क्षमा देते जा रहे हैं, उतना आप बढ़ावा दे रहे हैं। अगली बार पहले छोटी गलती की थी, अगली बार गलती थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि हौसला खुल जाएगा।
इसलिए महाराज दंड अतैव आवश्यक है। जीव गर्भ में तो कोई बात करता है, गर्भ से बाहर आकर कुछ और हो जाता है। इट इज ऑल सिचुएशनल। हम भी ऐसे ही हैं। जब हम when we are in a fix of situation, we are different. When we are out of the fix, we are different. And that is basic human psychology. You cannot change it. And a person who has conquered this kind of an attitude in life is a perfect human being. जिसने अपनी वृत्तियों को सम कर लिया हो, दुख में भी सुख में भी, अच्छाई में भी बुराई में भी, अनुकूलता में भी प्रतिकूलता में भी, जो बदलता नहीं एक रहता, उससे बढ़िया और परफेक्ट ह्यूमन बीइंग कोई दूसरा हो नहीं सकता। हम व्यक्ति को देख के बदलते हैं, आप तीन लोगों को पंक्ति में रखें, कोई बहुत बड़ा मंत्री आपके सामने आ जाए, कैसे झुकोगे? आपका बिहेवियर फ्रॉम फुट टू हेड कंप्लीट चेंज में आ जाएगा। अच्छा, ओबामा सामने आ जाए, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, मैं ऐसे मूर्खों से मिला हूं, उसने ओबामा से हाथ मिलाया, एक महीना हाथ नहीं धोया। मां बाप ने मेरे से आके शिकायत की, बोले स्वामी जी सिंस वन मंथ ही हैज नॉट वॉश्ड हिज हैंड। इडियट्स, यू डोंट हैव टू सर्च देम, दे आर ऑल अराउंड बिटवीन अस। हमारा स्वभाव बदल जाता है व्यक्ति देख के, वैसी बात करने लगते हैं। व्यक्ति कोई भी हो, छोटे से बड़ा, आपका स्वभाव बदलना नहीं चाहिए। बी वॉट यू आर, डू नॉट इंटेंड और प्रिटेंड टू बी वॉट यू आर नॉट। बी वॉट यू आर। और जब आप वही रहते हो जो तुम हो, सबसे प्यार से मिलते हो, बड़ा हो छोटा हो, अमीर हो गरीब हो, पद में बड़ा हो या किसी के पास बिल्कुल ही प्रतिष्ठा ना हो, जब तुम्हारा प्रेम एक रस रहता है तो समझ में आता है दैट यू आर ट्रूली स्पिरिचुअल। एंड रिमेंबर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। एक रहिए, सम रहिए, परिवर्तन न हो, बदला न जाए। लेकिन इंसान की आदत है बदलना। मुझे कहानी याद आती है, हम अपने स्वभाव में नहीं है, हम प्रभाव में हैं। हम हर चीज से प्रभावित होते हैं। एक होता है स्वभाव, आग का स्वभाव है, आप उसमें गलती से हाथ डाल दो, आप उसमें जानबूझ के हाथ डालो, क्या करेगी? बोलो ना भाई, आपको छोड़ देती है, डाल के देख लेना, छोड़ दे तो मेरे पास आने। आग में हाथ डालते हैं, जलाएगी, जान के डले या गलती से डले? तुम पानी में गलती से गिर जाओ या छलांग मारो, क्या करेगा? भिगोएगा, डुबोएगा, करेगा? इनका स्वभाव है, ये अपना स्वभाव बदलते नहीं फॉर नो रीजन।
सूरज का स्वभाव है, चंद्रमा का स्वभाव है, ये बदलते नहीं। सारी प्रकृति का स्वभाव है, पशुओं का स्वभाव है। सांप को तुम प्रेम से हाथ फेरो या उसके साथ छेड़खानी करो, क्या करेगा? वो नहीं सोचेगा तुम उसे पलोस रहे हो। स्वभाव है, हर पशु का स्वभाव है, लेकिन इंसान का कोई स्वभाव नहीं, ये बदलता रहता है। एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था, उसके पीछे शेर पड़ गया। तो हमारे यहां कहावत है, अगर तुम्हें शेर मिल जाए तो तुम क्या करोगे? तो बोले फिर मुझे कुछ नहीं करना, फिर शेर ही करेगा, फिर मेरा काम खत्म हो गया, फिर शेर का काम शुरू हो जाता। महाराज शेर पड़ गया, व्यक्ति बड़ा तेज भागा, जान बचाने के चक्कर में पेड़ पे चढ़ा, ऊपर भालू बैठा था, चढ़ गया तो देखा जल्दी जान बचाने के चक्कर में ऊपर मौत नीचे मौत। उसी भालू को उस इंसान ने शेर से बचने के लिए धक्का मार दिया। अब महाराज हुआ क्या? अच्छा शेर भालू को मार सकता था? बोलो ना भाई। अच्छा सोचो, भालू और शेर भिड़ जाए तो कौन जीतेगा? भालू कितना बड़ा उस पर डिपेंड करता है, समझ में आई? बड़ा भालू है, खुली ग्रोन है, तो महाराज फिर शेर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, अपने अच्छे बुरे किए कर्मों का फल हम स्वयं भोगते हैं। दूसरों को दोष देना बंद कर दीजिए, अपने कर्मों का सुधार कीजिए। डू नॉट फाइंड अ मिस्टेक इन अदर्स, ट्राई एंड रेक्टिफाई योर ओन एटीट्यूड एंड योर ओन पर्सनैलिटी, correct it. And the moment you want to change others, that is the biggest blunder that you can commit. You have only a right to change your own self. You cannot change anybody. And do not intend to do so. Change yourself. Suniti ne samjhaya. Bola beta, ye to bata usne kaha kya? बोले उसने ये कहा है, उत्तान पाद की गोद में बैठना है तो नारायण की उपासना कर, और नारायण को कह नीति की कोख से नहीं मुझे रुचि की कोख से पैदा करो। नीति ने कहा बेटा देख, तेरी छोटी मां ने कुछ गलत नहीं कहा बेटा। याद रखना इस जिंदगी में दो किस्म के लोग हैं, एक तो की हुई गलती को और बड़ा करके दिखाते हैं, छोटी बात को उसको कहते हैं राई का, आपको तो पता है, आप तो नहीं बनाते राई का पहाड़, राई का क्या बना देते हैं? पहाड़ बना देते हैं। बात का क्या बना देते हैं? अच्छा ये भी पता है, बहुत अच्छी बात है। बात का बना देते हैं बतंगड़, और दूसरे होते हैं कोई बात हो भी जाए तो उसको खत्म कर देते हैं। और याद रखना, जिन्होंने बात के बतंगड़ बनाए थे, जिन्होंने राई के पहाड़ बनाए थे, धर्म राय के दरबार में जाकर खड़े होंगे ना, बानी में फरमान किया, जो बातों को उलझाते और बिगाड़ते हैं ना, उन्हें आग में झुलसाया जाता। वाणी में लिखा है श्लोक मोहल्ला नौवां में, और जो बात को खत्म करते हैं ना, उन्हें परमात्मा की दरगाह में जगह मिलती। नीति ने क्या किया? बेटे को भड़काया,
कहा बेटा नहीं, तेरी छोटी माँ ने अच्छी बात की है, तू इस नश्वर पिता की गोद में बैठना ही क्यों चाहता है? ये पिता किसी ना किसी दिन मरेगा, तेरे से पहले मरेगा ना, तू 5 साल का है कि 40 साल का, 35 साल पहले आया जमीन पे, तो कम से कम 30-35 साल पहले जाएगा तो अनाथ करेगा कि नहीं करेगा? जिस दिन मरेगा, जब तक मां बाप सिर पे हो तो सनाथ बोलते हैं, और मां बाप सिर पे ना हो तो अनाथ बोलते हैं। ये किसी ना किसी दिन तेरे को अनाथ करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन बेटा अगर तुझे सच्चा पिता मिल गया, परमात्मा, जो उसने खुद कहा है तपसा राध्य वही पुरुष, उस परम पिता को अपना पिता मान, तो इस झूठे पिता को जो आज पैदा हुआ था कल मर जाएगा, इसको तो अपना क्यों मान के बैठा है? इसकी गोद में क्या रखा है? किसी की गोद में बैठना है तो परमात्मा की गोद में बैठना है। महाराज पहले तो आग लगी हुई थी अंदर, शब्दों ने चोट मारी हुई थी, और नीति की बात ने क्या किया, उस आग को और प्रबल कर दिया। अब गोद में बैठना है तो परम पिता की गोद में बैठ के रहूंगा, निश्चय कर लिया, ठान लिया। बोले नारायण कहां मिल सकते हैं? नीति कहने लगी बेटा बड़े बड़े संत महात्मा उसे ढूंढते रहे, सब कुछ छोड़कर भगवान को तो हर इच्छा मिटा के ढूंढना पड़ता बेटा। 5 साल के ध्रुव कहने लगे मां मुझे नारायण चाहिए, मैं उनकी गोद में बैठना चाहता। और महाराज निदा फजली साहब की बड़ी सुंदर गजल है, मेरा गाने को मन कर रहा, 2 मिनट बड़े भाव और प्रेम से मेरे साथ गाइएगा, गुनगुनाइएगा प्यार के साथ, भावना के साथ। सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी है भी चल सको तो चलो। निदा फजली साहब कहते हैं यह अध्यात्म का सफर, धर्म का रास्ता, इसमें कहीं छाव नहीं है महाराज, बड़ी धूप है। चलना चाहते हो? गुरबाणी कहती है भगतां की चाल निराली, वालो निक्की ठंडी और तिखी, एक मार्ग मार्ग चलना, यह रास्ता आसान नहीं। ध्रुव कह रहे हैं मुझे नारायण का रास्ता बताओ, सुनीति कहती है बेटा सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ तुम भी निकल सको तो चलो, सको तो चलो। सभी इस रास्ते पे चल रहे हैं, सभी है भीड़ में, कोई थोड़ा आगे है कोई थोड़ा पीछे, मंजिल किसी को नहीं मिली, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। बड़ा टेढ़ा रास्ता है बेटा, सभी जा रहे हैं, तू जा सकता है?
जाने क्यों लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, जाने क्यों लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं, जाने क्यों दो हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों। महाराज लोग घर से निकल पड़ते हैं, हर मोड़ पे रुक जाते हैं, हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, डरते रहते हैं। और महाराज इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं, सड़क पे जाओगे तो महाराज खतरा मोल लेके ही जाना पड़ेगा, बगैर खतरे के तो जा नहीं सकते। हमारे बुजुर्ग हमें एक बात कहा करते थे, जब मैंने पहली गाड़ी ली ना मेरे से लग गई तो मैं बड़ा डर के घर आया। मेरे दादा ने मेरे को एक बात कही, बोले बेटा गाड़ी चलाओगे तो लगेगी, चिंता मत करना, अब सड़क पे जाएगी तो लग भी जाएगी, ये सोचो ये कभी लग ना जाए तो घर में खड़ी कर दो, धूप बत्ती करो, सड़क पे जाएगी तो लगेगी भाई, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। शायरी में छोटी बातों को बड़ी बातों को छोटा करके बोल देते हैं, समझने वालों को दिमाग चाहिए, बुद्धि चाहिए। और महाराज सुनीति ने कहा बेटा बड़ा टेढ़ा मार्ग है, जाना चाहता है नारायण को पाना चाहता है, आप पाना चाहते हो तो आप भी गाओ, सफर में धूप तो जो चल सको तो चलो गए, सफर में धूप तो होगी, हरे राम राधे गोविंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद, बड़े भाव और प्रेम से आगे की सूचनाएं आप श्रवण करिएगा। Oh,
Oh, Swami, 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 Sw
जय राधे
Krishna bolo jay radhe jay radhe jay radhe jay bolo jay radhe hari bol jay radhe jay Krishna bolo jay radhe jay Krishna Jai Shri Krishna Bolo Jai Radhe Jai Shri Krishna Bolo Jai Radhe Jai Shri Krishna Bolo Jai Radhe Jai Radhe Jai Shri Krishna Bolo Jai Radhe Jai Radhe Jai Radhe Jai Shri Krishna Bolo 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 Jai Radhe Jai Radhe Jai Radhe Jai Shri Krishna Bolo Jai Radhe Jai Radhe Jai Radhe Jai Shri Krishna Bolo Jai Radhe Jai Shri Krishna Bolo Jai Radhe सभी का हार्दिक अभिनंदन सत्कार सहित वंदन करती हूँ। कृष्ण जन्म का मांगलिक प्रसंग अनुभव करने के बाद आज गोपिका विरह गीत की चर्चा अत्यंत भाव और प्रेम पूर्वक करें। ब्रजमंडल को आनंदित करने वाले आनंद कंद कृष्ण आज 11 वर्ष के हो गए। ब्रज भूमि का अर्थ क्या है? ब के पैर में र है और फिर ज लिखते हैं तो बनता है ब्रज। ब शब्द ब्रह्म का प्रतीक है।
रज का अर्थ होता है मिट्टी, जहां की मिट्टी ही ब्रह्म है, जहां की रज ब्रह्म है उसे कहते हैं ब्रज। और ये ब्रज मंडल को तो भगवान ने साक्षात परात्पर परह ब्रह्म ईश्वर ने अपने चरण छोह देकर निवाजा है। भगवान की चरण स्पर्श यमुना को छूती है तो सारा यमुना जल चरणामृत बन जाता है। ब्रज की चरण धूलि ठाकुर के चरणों से लग जाती है तो सारी रज ब्रह्मता के दर्जे को प्राप्त हो चुकी है। जहां की रज ब्रह्म हो वहां के निवासी भी ब्रह्म होने चाहिए, उनका लक्षण भी वैसा ही होना चाहिए। लेकिन महाराज ध्यान देना, ऐसा नहीं होता। ब्रज में रहने वाले सभी ब्रह्म हो गए हों यह तो सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन ठाकुर उन्हें धीरे धीरे बना देंगे। इसको यह भी समझ सकते हो कि मंदिर में आने वाला हर व्यक्ति सज्जनता के चरम पे नहीं होता, लेकिन आता रहेगा ना, थोड़ा थोड़ा सत्संग सुनता रहेगा तो उसको सज्जन बना देंगे। ठाकुर की सन्निधि में रहोगे ब्रजमंडल में तो ठाकुर हर विकार से विमुक्त करके एक महासज्जन का निर्माण कर देंगे। और ध्यान देना, ठाकुर जी 11 वर्ष के हैं और अनेकानेक लीलाएं कर चुके हैं। इन्होंने इंद्र का मान मर्दन किया है, केवल इंद्र का ही मान मर्दन नहीं, ब्रह्मा जी का मान मर्दन भी ठाकुर जी कर चुके हैं, अहंकार मिटा चुके हैं। और याद रखना, ठाकुर जी हर चीज पे समझौता कर सकते हैं लेकिन अहंकार पे नहीं। अहंकारी जीव को ठाकुर सर्वदा विनष्ट कर डालते हैं। और ठाकुर के अहंकार तोड़ने के अपने उपाय हैं महाराज। पर याद रखना, इस दुनिया में सबसे भयंकर रोग कैंसर से भी खतरनाक। पर याद रखना, कैंसर तो किसी किसी को होता है, भगवान ना करे, लेकिन इससे भी खतरनाक एक रोग है जिसने हम में से किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा, और वो है अहंकार। कैंसर भी उतनी गहरी मार नहीं मारता जितनी अहंकार मार मारता। पर महाराज, जैसे कैंसर अनडिटेक्टेबल होता है ना, कई बार फोर्थ स्टेज में जाके पता चलता है, बचने के उपाय खत्म हो चुके होते हैं। ऐसे ही जब इंसान को उसके अहंकार का स्वयं आभास होता है कि हुआ हुआ है महाराज, तब तक तो वो 8th-10th स्टेज पार कर चुका होता है। बचिए इस अहंकार से। गोपिका विरह गीत की सारी कथा अहंकार के ऊपर केंद्रित है। गुरबाणी फरमान करती है, जो जो दिसे सो सो रोगी, जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुर जोगी, रोग रहित मेरा सतगुर जो। हाँ मैं रोग मानुख को दीना, हाँ मैं रोग। महाराज, मेरे पास तो शायरी का भंडार है, विस्तृत हुई फैली, सब शांत था,
सारा वातावरण प्रकृति पूर्णतः शांत थी, यमुना मंद मंद बह रही थी और ठाकुर जी की वो वेम ध्वनि चारों ओर विस्तृत होने लगी और गोपियों के कान में पड़ी। गोपियों को ये तो प्रतीत न हुआ कि ठाकुर वेणु बजा रहे हैं, अभी तो उनको वेणुनाद में अपने अपने नाम सुनाई देने लगे। और महाराज वेणु तो सभी के लिए बज रही थी, केवल गोपियों के लिए तो नहीं बजी, लेकिन किसका मन का भाव जुड़ा हुआ है। आप यहां सत्संग में बैठ जाओ ना, तुम्हारा मन यहां जुड़ा ना हो, तुम यहां बैठे हुए भी एब्सेंट हो। क्या बोला गया था, क्या कहा गया था, अगर आपसे निकलते ही पूछ लिया जाए यू विल बी कंप्लीटली लॉस्ट, क्योंकि मन से नहीं बैठे। और याद रखना एक बात को, सारे काम इंद्रियों के माध्यम से केवल मन ही करता, आंख वही देखती है जो मन देखना चाहता। तुम कुछ नहीं देखना चाहते, तुम्हारा मन नहीं कर रहा, वहां होने के बावजूद यू विल सी एवरीथिंग गोज अननोटिस्ड। जबान नहीं चखती, जबान वही चखती है जो मन चाहता। कितने पदार्थ बना के रखे जाते हैं जिस जिसको मन करता उठाने को वही उठाते हो ना, जो मन नहीं चाहता खाने को सामने पड़ा होता नहीं उठाते, नहीं खाते। कान नहीं सुनते, कानों के माध्यम से मन सुनता है। मन लगना चाहिए, शरीर के होने से कोई फायदा नहीं। यहां बैठे हो, यू आर फिजिकली प्रेजेंट, बट योर फिजिकल प्रेजेंस डज नॉट होल्ड एनी मीनिंग। यू शुड बी मेंटली प्रेजेंट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग फिजिकली प्रेजेंट। गुरु नानक साहब लाहौर गए, मौलवियों ने गुरु नानक साहब को आमंत्रित किया, महाराज आप तो सांझे पीर हैं, सांझे फकीर हैं, हम नमाज अदा करेंगे आप आएंगे? गुरु नानक साहब ने कहा क्यों नहीं आऊंगा, जरूर आऊंगा परमात्मा की खुदा की इबादत करने के लिए, मना ही कैसे, तरीके अलग अलग हैं, बंदगी और खुदा तो एक ही है, भगवान अलग अलग थोड़े ही ना। और महाराज कुछ समझना चाहिए, आपको पता है एक जगह है मंदिर से भी बड़ी है, मस्जिद से भी बड़ी है, गुरुद्वारे से भी बड़ी है, ईसाई घर से भी बड़ी है, उस जगह का नाम क्या है पता है आपको? होटल। क्यों? मंदिर से भी बड़ी है, मस्जिद से भी बड़ी है, तो मस्जिद में कौन जाएगा? बोलो ना भाई, बोल दो, नहीं पता? मुसलमान जाएंगे। गुरुद्वारे में कौन जाएंगे? मस्जिद में कौन जाएंगे? बोलो ना भाई। ईसाई घर में कौन जाएंगे? लेकिन होटल में सब जाए। ध्यान देना, चार धर्मों के लोग बैठे हो ना, वहां पर मतभेद हो सकते हैं। महाराज इस कलयुग में कहीं ऐसा ना हो मंदिरों से बड़े होटल बन जाए। मंदिरों को मंदिर न बनाइए,
मंदिरों को मस्जिदों को मस्जिद न बनाइए, ईसाई घरों को ईसाई घर न बनाइए, गुरुद्वारों को गुरुद्वारे न बनाइए, इनको सेवा के केंद्र बना लीजिए। सेवा करें इंसानियत की। आप जानते हो पंजाब में जाए निशान साहब लगे होते हैं बड़े बड़े 400-400 फुट ऊंचे निशान साहब गाड़े जाते हैं, मंदिरों के शिखर 70-70-80-80 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते थे, कारण पता है आपको? वाज़ इट टू बी शोन that there is a gurudwara here? No, I'm very sorry to say. गांव में कोई घुसता है ना, उसे दूर से पता चल जाए यहां भूखे को भोजन मिलेगा, दूर से पता चल जाए यहां किसी बीमार को दवाई मिल सकती है, दूर से पता चल जाए यहां किसी थके हारे इंसान को विश्राम के लिए सुविधा प्राप्त हो सकती है। मंदिरों को मंदिर न बनाए। बहुत मंदिर बन चुके हैं, आज सेवा केंद्रों की आवश्यकता है। और कहीं ये सेवा केंद्र न बने ना तो महाराज मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों ईसाई घरों से बड़े होटल हो जाएंगे। और एक साधु होने के नाते हमें यह भय लगता है, लेकिन महाराज एक बात बड़े फक्र से बोलता हूं, व्यासपीठ पे बैठा इस मंदिर को मैंने तब से देखा है जब ये एक हॉल था, लेकिन महाराज यहां भूखों को भोजन मिलता चाहिए हो ना किसी को, सेवा का स्थान है। जब ये बन रहा था, इसकी आधारशिला स्थापित हो रही थी, तो जब मेरे भी विचार लिए गए, याद होगा यहां बैठे सभी लोगों को, हमने बात की थी तब इस सेवा केंद्र बने, और उन्हीं पदचिन्हों पर चलता हुआ मुझे गर्व होता है कि मैं इस मंदिर को वास्तविकता में मंदिर कह सकता हूं। सेवा हो ये बहुत जरूरी है। परमात्मा की बंदगी तो एक है। अमेरिका के लगभग 22 गुरुद्वारों में मैं जा चुका हूं, 8 मस्जिदों में जा चुका हूं, 3 यूनिटी चर्चेस में कैलिफोर्निया में और सैन डिएगो में, सैन होजे और सैन डिएगो। मुझे तो कभी कोई फर्क नहीं लगा, तरीके अलग अलग हैं, बंदगी तो एक ही। क्यों हमने इतने फर्क बना दिए? मजहब नहीं सिखाता, बोलो ना भाई, फिर आगे क्या कहते हैं, हिंदी हैं हम छोड़ आयो तुम, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। कुछ इस वैदिक सनातन संस्कृति ने दिया। गुरु नानक साहब गए लाहौर में, मौलवियों ने आमंत्रित किया, गुरु नानक साहब ने कहा मैं जरूर आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम नमाज अदा करोगे तो मैं बैठूंगा, तो अदा करूंगा। मौलविया ने कहा और हमें करना क्या है, नमाज ही अदा करनी है, और तो हम कुछ करने वाले भी नहीं। गुरु नानक साहब ने कहा लेकिन मेरी बात को ध्यान से समझ लो, तुम अदा करोगे तो ही मैं अदा करूंगा। नमाज का वक्त हो गया, गुरु नानक साहब आए, सभी जमे हुए थे, मौलवी सबसे आगे बैठे हुए थे, यही सोच रहे थे कि गुरु नानक साहब आएंगे सबसे आगे आ जाएंगे, लेकिन गुरु नानक साहब सबसे पीछे खड़े हो गए। और जब नमाज अदा होने लगी ना, मौलवी मुड़ मुड़ के पीछे देखे नानक झुके कि नहीं, गुरु नानक साहब सीधे खड़े रहे, नहीं झुके। नमाज अदा हो गई, मौलवी साहब आए, गुरु नानक साहब से कहने लगे हमने सोचा था पीर फकीर हमेशा सच बोलते हैं, आपने झूठ बोला,
गुरु नानक साहब ने कहा मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने कहा था तुम अदा करोगे तो मैं करूंगा। हाउ विल यू रिजॉल्व द पर्पस ऑफ बीइंग हियर जस्ट बाय सिटिंग फिजिकली, यू हैव टू बी मेंटली हियर। कथा में मत बैठो, कथा तुम्हारे में बैठे तब बात बनेगी। गुरु नानक साहब ने मौलवी से पूछा एक बात बताइए मौलवी साहब, ईमान से सच कहिएगा, आपके खेत में फसल खड़ी है, फसल काटने के लिए सस्ते मजदूर चाहिए, नमाज अदा कर रहे थे कि हिसाब लगा रहे थे सस्ते मजदूर कहां से मिलेंगे, तेरी घोड़ियां मर गई हैं, कौन सी मंडी में सस्ती घोड़ी मिलेगी? सच बताना, नमाज अदा कर रहा था या मंडियों के अंदर भटकता हुआ सस्ती घोड़ियां ढूंढ रहा था? बैठा तो तेरा शरीर नमाज में था लेकिन तेरा मन कहां था? तेरा मन मंडियों में भटक रहा था। बैठे तो यहां हुए हो, मन कहीं और भटक रहा। तो फिर सुना हुआ भी, वो कहते ऊपर से निकल गया, क्रिकेट खेली आपने, उसमें बाउंसर होती थी, एक गुगली होती थी, खेली ना क्रिकेट, तो दाएं आती आती गेंद बाएं मुड़ जाती थी, चकमा दे देती थी, एक ऊपर से निकल जाती थी। कहीं ऐसा ना हो सारा सत्संग तुम्हारे लिए गुगली बाउंसर बन जाए। कुछ यहां बैठो या मन को बिठाओ, और जब मन बैठ गया ना तो सारी बात बन जाएगी, पार हो जाओ। आवाज तो सबके लिए थी, गोपियों को ही क्यों सुनी? क्योंकि गोपियों का मन जुड़ा हुआ था, हमारा मन नहीं जुड़ता। मंदिर में इसलिए नहीं आना, मंदिर बनाए जाके मत्था टेकना है, मत्था ना टेका तो पाप हो जाएगा, ना ना ना। मंदिर में इसलिए आना है कि मुझे अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसा सुधार करना है कि मैं एक महामानव बनूं, एक अच्छा इंसान बनूं। और आके मन को जोड़ो, और मन जुड़ गया तो फिर महाराज अनहद की ध्वनि सुनाई देने लगेगी, जैसे गोपियों को वंशी सुनाई देने लगी। बैठे तो सभी थे, इतना बड़ा बॉस्टन है, कथा हो रही है, इतने ही क्यों आ रहे हैं? जुड़े हुए लोग, कथा भाव उत्पन्न करती है, इसलिए आ रहे। गोपियां आई, अर्धरात्रि का समय था, कैसे आई? शरीर से ये मर्यादा नहीं, नहीं शरीर से नहीं आई, गोपी की चेतना। आप कहीं जाना चाहते थे और जा नहीं पाए, बड़ा मन था कि मैं जाऊं 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 लेकिन जा नहीं पाए। और जब आपके रिश्तेदार पूछते हैं उस दिन तुम कहां थे, तो आप कह देते हो मन से मैं वहीं था, बोलते हो ना मैं मन से वहीं था। आप फिजिकली तो नहीं गए, कैसे पहुंच गए? क्योंकि जितनी देर तुम जा नहीं पाए तुम्हारा मन, बोलो ना भाई, कुछ समझ भी आ रही कि मैं बोले जा रहा हूं? उतनी देर तुम्हारा मन कहां था? वहां पर था। तो जहां पर तुम्हारा मन था तुम वहां पे प्रेजेंट थे, या जहां तुम्हारा शरीर था तुम वहां पे प्रेजेंट थे? बोलो ना भाई, जहां मन था वहीं थे ना।
वहां तो केवल शरीर ही बैठा था, शरीर के होने से कोई फायदा नहीं है, मन की उपस्थिति सर्वोत्कृष्ट उपस्थिति है। गोपियां कैसे पहुंची? अपने चेतन से, अपने मन से ठाकुर के पास पहुंच गई, सब काम काज छोड़ गए। और याद रखो, मन कहीं और हो, शरीर कहीं और हो, तो शरीर के कर्म करने की सामर्थ्य भी नष्ट हो जाती है। समझ में आई? आपका मन कहीं लगा हुआ हो, आपसे फिजिकली काम करने असंभव हो जाते हैं, क्योंकि मन कहीं और बैठा, ध्यान नहीं रहता, फोकस नहीं रहता। कोई गोपी लपसी पका रही थी, छोड़ दी मन से, कृष्ण के पास पहुंच गई अर्धरात्रि के समय। और जैसे ही ठाकुर जी के पास आई, ठाकुर जी ने पूछा, तुम सब अर्धरात्रि के समय अपने घर बार सब कुछ छोड़कर यहां आ गई हो? गोपियों ने कहा, ठाकुर निष्ठुर नगरी में बोलने के लिए तो महाराज गोपी गीत पे मैं 1 साल बोल सकता हूं, मेरा सबसे प्रिय विषय है गोपी गीत, एक एक श्लोक पर 4-4 महीने कथा की है मैंने, भारत में पूरा चातुर्मास एक ही श्लोक पर, तब कथामृतम तत्त जीवनम कविभिरीडतम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंतिते भूरिराजनम, एक ही श्लोक पर। लेकिन संक्षेप में, बड़े अल्प में, थोड़े में, गोपियां आई, ठाकुर जी ने कहा, तुम सारा कुछ छोड़कर आई हो, जाओ वापस चली जाओ, प्रतिहात व्रजम न इहस्तेयम, जाओ लौट जाओ। गोपियों ने कहा, ठाकुर ये तो बहुत अच्छी बात है, पहले आप अनंगनाद उत्पन्न करके हमारे विचलित व्यग्रम खींचते हो, और जब मन आकर आप में रम जाता है तो फिर आप कहते हो चले जाओ। आप किसी मेहमान को अपने घर बुला लीजिए, सरसरी कहीं आप किसी से मिले और आपने कहा हमारे घर चाय पीने आइएगा, उसको बुलाकर आप तो भूल गए लेकिन उसको याद रहा, और अनायास जो समय आपने दिया था, सही शाम के 4 बजे वो आपके घर आकर बेल रिंग करता, तुम भूल चुके हो, उसे याद है और वो आ भी गया, और जब वो आ जाए सिर पे खड़ा हो तो तुम कहो आई एम वेरी सॉरी, आई कंप्लीटली फॉरगॉट इट, आई कंप्लीटली लॉस्ट इट, सो प्लीज गेट बैक टू योर होम एंड ड्रिंक योर ओन टी। हाउ वुड दैट बी? नहीं नहीं महाराज, देखो ये अच्छी आदतें नहीं है। लेकिन ठाकुर जी ने कुछ ऐसा ही किया, गोपियों को कहा तुम चली जाओ, परेशान हो गई गोपियां, और महाराज इतनी परेशान हुई, गोपियों ने कहा हे श्याम सुंदर, हम अपना सब कुछ छोड़कर आई हैं, अपना सब कुछ मिटा कर आई हैं, हम ऐसे ही नहीं आ गई हैं। महाराज तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, किसी शायर ने बड़ा उम्दा शेर लिखा है, वैद साहब गौर फरमा, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, मुंतजिर हूं कि जरा सितारों की आंख लगे, मुंतजिर हूं कि जरा सितारों की आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके।
आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके, मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी, मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। गोपी रो पड़ी, मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी,